वेलकम टू डेज डे खजाना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और आज मैं लाई हूँ नवाबी करेला। जी हाँ, इसको खाते वक्त आपको बिल्कुल नवाबों वाली फीलिंग आने वाली है। जो कभी करेला नहीं खाते वो भी इसे एंजॉय लेके खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए 400 ग्राम के करीब करेला, जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया, इसके बीज को भी निकाल दिया है। एक चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं हम प्याज है, 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैं स्लाइस में मैंने कट कर लिया है और इसे हमें फ्राई करके तैयार करना है। थोड़े से यहाँ पे मसाले हैं, 5 लौंग है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 4 छोटी इलायची, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, मेथी और कलौंजी है 1/4 टीस्पून, 2 चम्मच यहाँ पे सौंफ है। इसे हम आधे से 1 मिनट के लिए सिर्फ ड्राई ही रोस्ट कर लेंगे, ताकि हमें पाउडर बनाने में इजी हो जब हम इसे ग्राइंड करें। तो बिल्कुल आधे से 1 मिनट के लिए हमें इसे रोस्ट करना है और ध्यान रखें फ्लेम को मीडियम रखें, ताकि मसाले जले नहीं। तो इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पेस्ट पाउडर बना लेते हैं। और कुछ और भी मसाले हैं जिसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा जार लिया है मैंने, 1 कप यहाँ पे बिल्कुल थिक दही लेनी है, हो सके तो आप हंग कर्ड भी ले सकते हैं। 1 कप हमें दही लेनी है और जो हमने प्याज 3 था, 3 मीडियम साइज का, उसे मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई ही प्याज डालें, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। यहाँ पे है पुदीना है, 1 टीस्पून पुदीना है, 3 हरी मिर्च है और 1 टीस्पून यहाँ पे कसूरी मेथी है और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैंने जिंजर पाउडर लिया है। और ये देखिए 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने अदरक का, ये गार्लिक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़े से पाउडर मसाले भी डालेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। 1 टेबल स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर है, इसे हम ढक के बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है और जो हमने पाउडर तैयार किया था उसे भी डाल देते हैं। इसे भी ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। और ये देखिए हमारे सरसों के तेल तैयार है। सरसों के तेल में हम फ्राई करेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसे एक स्ट्रेनर में रख के इसे छान लिया था, ताकि पानी अच्छे से निकल गए थे करेले के। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हम इसे डालेंगे, तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और तेल ज्यादा सोक नहीं करेगा। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल करेले का चिप्स तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे नमक और कुटी काली मिर्च डाल के ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चिप्स लगते हैं करेले के। आज हम इसे ग्रेवी में यूज करेंगे, तो इसे छान लेते हैं अच्छे से। तेल को छान लेंगे, यहाँ पे 1/4 कप यहाँ पे तेल डाल रही हूँ मैं ग्रेवी के लिए और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने हींग डाला है, 1 टीस्पून यहाँ पे क्यूमिन सीड जीरा डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली, इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आएगा। बिल्कुल ऑप्शनल है थोड़ा सा जो डाला है। और ये देखिए जैसे ही जीरा अच्छे से चटकने लग गया मैंने मसाले डाल दिए, थोड़े से डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी बचे हुए मसाले भी डाल लूंगी। ध्यान रखें फ्लेम को मीडियम, बिल्कुल लो रखें इस वक्त, क्योंकि मसाले हमारे बिल्कुल जलने नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे नमक डाल के इसे लगातार चलाते हुए मसालों को हम भुनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी हमारी ग्रेवी बनने वाली है। आप देख रहे हैं बिल्कुल क्रीमी सी दिख रही है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल दी है, ये बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है। बस जब मैं इसे सर्व करूंगी तो वो मिर्ची बहुत अच्छी लगेगी सर्व करते वक्त, तो बस इसीलिए मैंने डाला है। तो ये देखिए तेल अलग हो गए मसालों से, मतलब हमारी ग्रेवी के मसाले तैयार हो गए हैं। यहाँ पे 1 कप मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। गर्म पानी डालने से जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो अच्छा आएगा। तो बिल्कुल ये देखिए अच्छे से जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो हमारे जो करेले के चिप्स हैं इसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे 400 ग्राम के करीब करेला है, तो इसे हम डाल देते हैं और 10 मिनट के लिए ढक के दम देंगे, ताकि जो करेला है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ग्रेवी में। और ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। इसे आप लच्छा पराठा के साथ, नान के साथ इंजॉय कीजिए, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।